हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एके शर्मा। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस काम में आता है? सबसे पहली चीज तो ये कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या और क्या काम करता है। इससे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो टीनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी टीनी ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है और ज्यादा बड़ी करके इमेज दिखाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहां पे लिख देते हैं, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड highly magnified image of tiny objects। tiny particles होते हैं उनकी highly magnified image produce करने के लिए किसका use करते हैं, compound microscope का use करते हैं। अब compound microscope में दो lens होते हैं, एक small focal length का होता है और एक लार्ज थोड़ा मॉडरेट फोकल लेंथ का होता है। स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ, इस लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और लार्ज अपर्चर एंड मॉडरेट फोकल लेंथ, इस लेंस को हम बोलते हैं आई लेंस। तो यहां पे लिख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ two lenses, one of small aperture, one of small aperture and small focal length, called as eye lens, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अनदर लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर एंड मॉडरेट फोकल लेंथ। मॉडरेट का मतलब होता है बेटा ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो इसका अपर्चर तो क्या होता है, लार्ज होता है डायमीटर, और फोकल लेंथ क्या होती है, मॉडरेट होती है। फोकल लेंथ नोन एज आई लेंस। ठीक है, एक आई लेंस सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस होता है स्मॉल फोकल लेंथ का, इसकी फोकल लेंथ, दिस इज एफ ई। ठीक है, और सॉरी एफ नोट कर लो, और इसकी फोकल लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एफ ई ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट की पहले कौन इमेज बनाएगा, ये आई ऑब्जेक्टिव लेंस इस आई लेंस के सामने इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब ये लेंस क्या करता है कि ये दोबारा से इसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ये इसकी दोबारा से हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा और फाइनल इमेज यहां बनेगी। एक बार इससे मैग्नीफिकेशन होता है, दोबारा इससे मैग्नीफिकेशन होता है, और फाइनल इमेज हमें जो मिलती है इन दोनों के मैग्नीफिकेशन से मिलती है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो दो बार होता है, एक बार ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और उस इमेज की मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है, आई लेंस बनाता है। ठीक है, तो फाइनल इमेज जो हमें मिलती है
वो मैग्निफाइड इमेज होती है ऑब्जेक्ट ए बी की बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। ठीक है, तो दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो इसमें हम इसकी हम मैग्निफाइंग पावर निकालते हैं, मैग्निफाइंग पावर। तो यहाँ पे हम इसकी मैग्निफाइंग पावर को डिफाइन करते हैं, आप ये नोट कर लेंगे। मैग्निफाइंग पावर क्या होती है, मैग्निफाइंग पावर, मैग्निफाइंग पावर, मैग्निफाइंग पावर, मैग्निफाइंग पावर। तो मैग्निफाइंग पावर हमने पहले भी पढ़ा था, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबस्टेंडेड बाय द इमेज, दिस इज बीटा एट द आई टू द एंगल सबस्टेंडेड ऑब्जेक्ट एट द आई, दिस इज अल्फा। ठीक है, when both are lies at least distance from distinct region, अगर दोनों least distance of distinct region पे lie करते हैं, तो ये देखो इमेज ने यहां पे कितना एंगल बनाया, बीटा एंगल बनाया है इस लाइन के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया, और ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, अल्फा। इन दोनों का जो रेशियो होता है, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर। तो आप लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा और अल्फा स्मॉल है, एस टेन बीटा नियरली इक्वल टू बीटा एंड टेन अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा। अल्फा और बीटा अगर स्मॉल है तो बीटा को हम टेन बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को हम टेन अल्फा लिख सकते हैं। तो एम कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो डायग्राम, इसमें सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो इसका डायग्राम है। डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे ए बी, और ऑब्जेक्ट के सामने एक लेंस रखेंगे जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी ये इमेज बनाएगा ए डैस बी डैस यहाँ पे। ठीक है, जब ये इसकी हाईली मैग्निफाइड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है, तो ये इसके सामने एक और लेंस रख देते हैं, दिस इज आई लेंस। ये बड़ा होता है, लार्ज अपर्चर का और लार्ज फोकल लेंथ का, इससे ज्यादा फोकल लेंथ का होता है। तो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और ये इमेज इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है। ये इमेज इसके इस लेंस के आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है, तो ये इसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता, हाईली मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज बनाता है सामने। तो ये हमें फाइनल इमेज मिलती है यहाँ पे, ये यहां से और यहां तक ये फाइनल इमेज मिली। अब ये देखो यहां से इसने इसके सेंटर पे इमेज ने यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा, और ये ऑब्जेक्ट ए बी, तो ये भी कितना ए बी के बराबर, यहां से हमने एक लाइन मिलाई तो कितना एंगल बनाया अल्फा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ही हमने आई बना दिए, यहां से देखेंगे तो ये फाइनल इमेज हमें यहाँ पे इसकी दिखाई देगी इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर हो गई। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप बेटा नोट कर लेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस डायग्राम की, क्योंकि ये डायग्राम इजिली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, इन ट्रायंगल
A2 B डबल डैश C2, ये ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ये इसमें देखो, या फिर इसको इसमें देखो, इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें हम टेन अल्फा निकालते हैं, टेन अल्फा ये, तो दिस इज परपेंडिकुलर ए टू बी डबल डैश, ये बेस सी टू बी डबल डैश, ठीक है, ये आ गया। अब एक और देखो, इसमें ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो बेटा, ये ट्रायंगल कौन सा है, दिस ट्रायंगल इज ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, ए डबल डैश बी डबल डैश और सी टू, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, इसमें टेन बीटा की वैल्यू निकाल लो, टेन बीटा कितना आएगा, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बीटा ये एंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय सी टू और बी डबल डैश, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे हम इसको इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए टू बी डबल डैश, ए टू बी डबल डैश, ए टू बी डबल डैश किसके बराबर है, बी के बराबर है भाई, ए टू B डबल डैश इज इक्वल टू ए बी, देखो यहां पे दिख रहा है कि नहीं, ए बी किसके बराबर है, ए टू बी डबल डैश, तो मैंने यहां पे इसको ए बी लिख दू, ए बी डिवाइडेड बाई सी टू बी डबल डैश, ठीक है। अब tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, तो यहां पे हम ये tan बीटा की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या थी, यूज वैल्यू ऑफ tan बीटा एंड tan अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पे यूज करेंगे tan कितना आ जाएगा, tan इज इक्वल टू tan बीटा a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय c2 b डबल डैश, और ये उल्टा हो जाएगा, दिस इज c2 b डबल डैश अपॉन ab, इससे कैंसिल आउट, m कितना आ गया, m हमारे पास आ गया a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय a, ठीक है, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब इसको इस इक्वेशन को a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर दो और a डैश b डैश से डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड हम लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग ए डैश बी डैश, यहां पे एम कितना आ जाएगा, एम इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी मल्टीप्लाई बाई ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दूं और ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दूं, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन देखो यहां पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई बाई ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहां से एक चीज देखें, ए डबल डैश बी डबल डैश
This is the height of final image and A dash B dash. Height of object for eye lens. ये इसके लिए object इसकी height और ये इसके image की height. तो ये क्या होगा magnification produced by the eye lens और ये क्या होगा magnification produced by the objective lens. ये ऑब्जेक्ट की हाइट ये इमेज की हाइट. तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों का रेशियो क्या कहलाता है मैग्निफिकेशन. तो यहां पे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू दिस इज m e मल्टीप्लाई बाय m डॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 वेयर m e के m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस. ठीक है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस. साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. ठीक है और दूसरा देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं m नॉट इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन a b मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस. ये साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है तो दिस इज द फाइनल मैग्निफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है अब अभी हमने जो सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था उसमें बेटा आप नोट कर लेंगे. ठीक है इससे आगे चलते हैं. जो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा था उसमें देखो मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे. यहां पर देखो बट m इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस d अपॉन f e मैग्निफाइंग पावर ऑफ आई लेंस. सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था कि जो MB कितना आता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय FE. तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं M इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन FE मल्टीप्लाई बाय M नॉट. ठीक है और M नॉट को हम क्या लिख सकते हैं M नॉट एंड m नॉट इज इक्वल टू v नॉट माइनस u नॉट ऐसे लिख सकते हैं. भाई m किसके बराबर होता है h2 बाय h1 या फिर v अपॉन u के बराबर भी तो होता है. तो m नॉट इज इक्वल टू v नॉट माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय माइनस u नॉट. भाई m किसके बराबर होता है v अपॉन u. तो यहां इसकी जगह क्या लिख सकते हैं और या नीचे लिख लेते हैं इसको m इज इक्वल टू इसको m को यहां पे लिख रहे हैं v नॉट बाई u नॉट माइनस का 1 प्लस d बाई एफ टी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. ये भी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला दिस इज इक्वेशन नंबर 4th. ठीक है इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है अब हम क्या करते हैं अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज है किसके फोकस के ऑब्जेक्टिव के तो ये इमेज भी उतनी नजदीक इसके नजदीक बनती है. मैं यहां पे लिख सकते हैं
ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस देन इमेज फॉर्म इज वेरी क्लोज टू आई लेंस। अगर इसको आगे करेंगे तो इमेज भी इधर खिसकती जाएगी, तो हम क्या करते हैं जनरली वी को लिख लेते हैं एल, वी को हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। वी को एल से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि वी क्या होता है, यहां से और यहां तक का डिस्टेंस और इससे यहां तक के यहां के डिस्टेंस को हम एल मानते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब। इन दोनों लेंसेज के बीच में एक ट्यूब, एक स्केल के साथ एक ट्यूब फिट कर देते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब। व्हेन यहां पर व्हेन यू नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट देन V नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, देन देन N इज इक्वल टू इसको क्या V नॉट को क्या लिखें, V नॉट को L लिख दें और माइनस F नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ टी, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, और एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, M इज इक्वल टू एम नॉट माइनस एम टी, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूले तुम्हें बताए। तो दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव आती है, इसका मतलब फाइनल इमेज फाउंड इज इनवर्टेड। कैसी है इनवर्टेड, तो फाइनल इमेज कैसी बन रही है, इनवर्टेड बन रही है, ठीक है। और फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, इसमें देखो दो तीन चीजें और हम पढ़ते हैं, फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर F नॉट एंड एफ टी कीप स्मॉल, दोनों को ही स्मॉल रखते हैं क्योंकि ये जब छोटे होंगे दोनों तो इनकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, बट F F नॉट इज टेकन स्मॉलर देन एफ ई, इसको छोटा लेते हैं और इसको बड़ा लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ही स्मॉल होती है लेकिन इन दोनों में से भी ये क्या होता है, फोकल लेंथ इसकी छोटी होती है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी फाइनल इमेज इंफिनिटी में कब बनेगी, जब ये इमेज कहां पे बने, फोकस पे बने, नॉर्मल एडजस्टमेंट के ऊपर, यहां पे इमेज बनेगी, फाइनल इमेज इंफिनिटी बनती है, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम हो जाती है, देन मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम, और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितने, मिनिमम एम मिनिमम, दिस इज एल अपॉन एफ नॉट, और ये कितना होता है,
डी अपॉन एफ टी, ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर हो जाती है। ठीक है, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अब हम क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस नंबर ऑफ लेंसेज से मिलके बने होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस नंबर ऑफ लेंसेज से मिलके बने होते हैं टू अवॉइड द डिफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए सिंगल लेंस। तीसरा देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस या लेंसेस यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेंसेस टू अवॉइड द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल लेंस। सिंगल लेंस के कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम इन लेंसेज को नंबर ऑफ लेंसेज को मिला करके बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के अंदर। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप बना करके देखेंगे, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद टेलीस्कोप आते हैं, तो कल टेलीस्कोप पढ़ेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।